अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत होंगे। हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली, मैं तारिक महमूद, मैं हूं मुजाहिद सर, मैं हूं भाई। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है पीएम मोदी रैली इन कश्मीर, कश्मीरी वुमेन जम्मू कश्मीर न्यूज। तो देखते हैं वीडियो और अपना रिएक्ट कर देंगे। कॉर्नर करते हैं, 3-2-1 वीडियो स्टार्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को श्रीनगर पहुंचे। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद पीएम मोदी का यह पहला कश्मीर दौरा है। प्रधानमंत्री मोदी ने 6400 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का अनावरण किया। इसके बाद श्रीनगर की बख्शी स्टेडियम में एक जनसभा को भी संबोधित किया। बीजेपी का दावा है कि कश्मीर के इतिहास में यह अब तक की सबसे बड़ी रैली रही है। बड़ी संख्या में लोग इस रैली में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे थे। पीएम की एक झलक पाने के लिए लोगों में भारी उत्साह था। पीएम मोदी की प्रशंसकों में महिलाओं की तादाद बहुत ज्यादा थी। महिलाओं ने पीएम मोदी पर भरोसा जताते हुए उनके प्रति अपने समर्थन का इजहार किया है और कहा है कि 370 हटने के बाद कश्मीर में बहुत कुछ बदल गया है। सबसे पहले हम आपको उन लड़कियों की बात सुनाते हैं जो पीएम मोदी को सुनने के लिए उनकी रैली में आई थी। इन लड़कियों से हमारी संवाददाता श्वेता भट्टाचार्य ने बात की है। प्रधानमंत्री को सुनने के लिए कई लोग दूर दूर से आए हैं। स्टेडियम तो पूरा खचा खचा आपको दिख ही रहा है। यहाँ हमें दो लड़कियाँ मिली हैं और कहते हैं ना कि कश्मीर का भविष्य यही लोग हैं, तो इनसे भी जरा पूछते हैं कि कश्मीर कितना बदला। क्या नाम है आपका? मेरा नाम साहिबा है। साहिबा, ये बताओ कश्मीर बदला? बहुत ज्यादा बदला, बहुत डेवलपमेंट आई हर जगह। मतलब इतनी डेवलपमेंट कश्मीर में नहीं थी जितनी उन्होंने लाई है। तुम 8th स्टैंडर्ड में पढ़ती हो? हाँ। तो ये बताओ, शिक्षा के क्षेत्र में तुम्हें लगता है कि सब कुछ स्मूथ है, जाते हैं, तुम लोगों को एजुकेशन में कोई दिक्कत नहीं हो रही है? कोई दिक्कत नहीं हो रही है एजुकेशन में, मतलब बहुत आगे जा रही है हमारी एजुकेशन। उन्होंने इतनी डेवलपमेंट एजुकेशन में भी लाई कि वो काम नहीं होते थे स्कूल में। पहले ऐसे पढ़ाया नहीं जाता था, टीचर्स की आज क्वालिफिकेशन चेक की जाती है तब टीचर्स को क्वालिफाई किया जाता है। वो सब मोदी जी की वजह से हुआ है। स्कूल्स खुलते हैं क्योंकि पहले तो ज्यादातर कर्फ्यू लगते थे, महीने में 15 दिन बंद रहते थे। अब क्या स्कूल खुलते हैं? जी, अब मुझे लगता है, अब पहले कि अगर कोई भी हिस्ट्री निकाले 2000 या 1999 से आप देखें, मोस्ट ऑफ द यहाँ पे जो टाइम था ना वो कर्फ्यू में गुजर जाता था। 2016 में देखिए 4-5 महीनों के लिए कश्मीर टोटल बंद था, इंटरनेट सर्विस बंद थी। लेकिन 2019 से, खासकर कि ये जो 5 साल रहे हैं, इसमें एक बार भी ऐसा नहीं हुआ है कि इंटरनेट सर्विस बंद हुई हो, चाहे वो 15 अगस्त हो या 26 जनवरी हो। यहाँ पे इंटरनेट सर्विस बंद नहीं होते हैं, मोबाइल सर्विस बंद नहीं हो रहे हैं, यहाँ पे एजुकेशन में कोई रुकावट नहीं आ रही है कम से कम। और जहाँ पे जैसे कि मार्च सेशन का ये हुआ है, उसकी वजह से बच्चों को ज्यादा प्रिपरेशन का टाइम मिल जाता है, बहुत अच्छे से पढ़ाई होती है। अगर महिला होने के नाते, लड़की होने के नाते सुरक्षा की बात करें, 370 हटने के बाद हालात कैसे बदले हैं, आप लोगों ने क्या देखा? देखिए, एक चीज जो हमने देखी है 370 हटने के बाद वो ये थी कि लोग जिस तरह से इंटरप्रेट कर रहे थे इस चीज को, कि जिस तरह से उनका यहाँ की मतलब खास करके जो कश्मीरी लोग थे, जितना उनको यहाँ पे लग रहा था ना कि मतलब शायद खराबी आ जाए, वैसा कुछ हुआ नहीं है। और दूसरी बात रही बात सिक्योरिटी की, तो लड़कियां आजकल 11-11 बजे भी आप देखेंगे सड़कों पे इजीली चल पा रही हैं। मुझे लगता है वो सब मोदी जी की वजह से हो रहा है। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने को लेकर कश्मीर की महिलाओं ने जो कुछ भी बताया है वो लोगों की कई पूर्व धारणाओं को धाराशायी कर रहा है। सबसे फेमस डल लेक में हम इस वक्त शिकारे पर चर्चा करेंगे कि कश्मीर कितना बदला है। मैम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम राशिदा है। राशिदा जी, धारा 370 हटने के बाद क्या लगता है, बदलाव कितना हुआ? बिल्कुल, धारा 370 जब से हट गया तो तब से हमें बदलाव ही बदलाव लग रहा है। अगर धारा 370 नहीं हटता तो वो पथराव, वो हड़ताल, वो कैलेंडर, वो फिर से निकलता और आप शायद यहाँ नहीं होते। आपका कैमरा भी रास्ते में तो टूट जाता और आप यहाँ तक नहीं पहुँचते। तो ये है कि हमारा डेवलपमेंट, आप टूरिज्म देख लीजिए, आप जिस डल में है ना अभी, तो आप देख लीजिए यहाँ आसपास में कितना टूरिज्म है, कितने टूरिस्ट है। टूरिज्म, हमारा टूरिज्म सेक्टर सबसे बढ़ गया है इधर, क्योंकि ये हमारी शान है, जो टूरिज्म है ये हमारी शान है। और हमारे रेड़े वाले, जो बोट वाले, शिकारे वाले,
तो उनका ये अपना एक रोजगार भी चलता है। तो जब टूरिज्म बढ़ गया 370 के बाद, तो ये हमारी शान है, ये हमारा बदलाव है। टूरिज्म तो पहले भी था, लेकिन कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धारा 370 हटने के बाद ये पहला कश्मीर दौरा होगा, इस दौरे को कैसे देख रही हैं? बिल्कुल, हम अभी भी इंतजार में हैं, वो कल आ रहे हैं। हम बहनें, वो हमारा लाडला भाई है, हम बहनों का, हमारी जो बुजुर्ग औरतें हैं उनका लाडला बेटा है, जिस लाडले बेटे ने उनके बुढ़ापे का ख्याल रखा, हॉस्पिटल में फ्री इलाज करवा रहे हैं। आज आपको भी पता, गोल्डन कार्ड सबके जेब में है, सारे बुजुर्गों के जेब में है, तो उनका लाडला बेटा, हम बहनों का लाडला भाई है, हम उनके इंतजार में हैं इस वक्त। और हम बड़े जोश और खरोश से, आप देखेंगे कि हम बहनों का कैसा वहां तांता बना होगा, और कितनी बहनें, हजारों में बहनें, लाखों में बहनें वहां कल पहुंचेंगी और उनके इंतजार में रहेंगी। आप लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना भाई बता रही हैं, लाडला बेटा बता रही हैं, लेकिन रशीदा जी, ऐसे भी विपक्षी पार्टियां हैं जो प्रधानमंत्री को कहते हैं मोदी का तो कोई परिवार ही नहीं है, हालांकि वो 140 करोड़ जनता को अपना परिवार मानते हैं। इसको कैसे देखती हैं, उनको क्या जवाब देंगी आप? हम है ना उनका परिवार, जिनका उन्होंने ख्याल रखा, हमारा उन्होंने ख्याल रखा, हम बहनों का, बूढ़े लोगों का, तो वो उनका परिवार, हम उनका परिवार नहीं तो फिर क्या है? हम तो उनका परिवार है ना, पूरे इंडिया उनका परिवार है। कश्मीर की महिलाएं यह कह रही हैं कि पीएम मोदी ने जब से आर्टिकल 370 हटाया है, हमारा कैलेंडर बदल गया है, क्योंकि अब कश्मीर में हड़तालें नहीं होती। सबसे पहले हमारा कैलेंडर बदल गया। कैलेंडर बदला, कैलेंडर की वजह से हमें रूटीन में हम काम नहीं कर सकते थे। रूटीन, ये कैलेंडर की वजह से हमें शेड्यूल बनाना पड़ता था कि इस डेट को हड़ताल है, 6 महीने के लिए हड़ताल है, अपने सारे काम दाम छोड़ के फिर हमने 6 महीने के बाद वो रखना पड़ता था। बच्चों को स्कूल, गेम्स, अभी जो बच्चे 35 सालों से उनका करियर जो वेस्ट हुआ है, 8th पास तो है नहीं कोई, अंधेरे में डूब गया था। हमारे भाइयों का जो उस वक्त 15 साल का बच्चा था, जिसने मतलब जो पथराव के लिए चलता था, फिर स्कूलें छोड़ दी, फिर कहा कि अभी कुछ आजादी वाजादी आ जाएगी, बाद ये सब चीजें आ जाएंगे, तो वो उस चीज के साथ रहा, और फिर जेल या तो मकबरों में हमारे कितने बच्चे जवानों ने अपनी जिंदगी खो दी। तो इस कैलेंडर की वजह से जो बदलाव हुआ है, आज हम ये यकीन नहीं कर सकते हैं कि आज हम सोच रहे हैं कि बच्चा हमारा स्कूल जा रहा है, आज हम शेड्यूल बना रहे हैं कि सुबह से 4 बजे तक स्कूल जाएगा, स्कूल से फिर ट्यूशन भी जाएगा, ये तो पहले था ही नहीं। बच्चे तो हमारे अनपढ़ रहे, अब हम कहते हैं आज के, इसके लिए जिम्मेदार किसे मानती हैं? यहाँ के पॉलिटिशियन को, यहाँ की पॉलिटिक्स जो कश्मीर की थी, जो हमारे अपने पॉलिटिशियन थे यहाँ पे, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीडीपी है, जो कुछ भी है, तो उन्होंने धोखा दिया है पाकिस्तान को भी और हिंदुस्तान को भी। ये जो 370 आर्टिकल है, जिसके खत्म होने के बाद यहाँ के हालात बदल चुके हैं। अगर वो सही था, 370 आर्टिकल सही था, तो अगर वो टेम्पररी था, तो उन्होंने 70 सालों तक मिसगाइड क्यों किया लोगों को? अगर ये धारा हटी तो ऐसा हो जाएगा, फिर वैसा हो जाएगा, हिंदुस्तान ऐसा करेगा, फिर पाकिस्तान ऐसा करेगा, ये तो सारे उनके बिजनेस एक गेम थी, जिसमें बच्चों ने, हमारे बच्चों ने अपने जिंदगियां खोई है, माओ ने अपने औलादों को खोया है, कितने सारे माए यहाँ पे है, 2 लाख के करीब हमारे बच्चे और हमारे भाई मर चुके हैं, जिनके लिए कोई बात नहीं करता है, और कितने लाखों की तादाद में हमारे जेलों में है। कश्मीर की महिलाओं ने जिस तरह अनुच्छेद 370 हटाए जाने पर अपनी खुशी जाहिर की है और अपने अनुभव साझा किए हैं, उसे कह सकते हैं कि सच में कश्मीर बदल गया है, क्योंकि हिंसा, अशांति, अलगाववाद या आतंकवाद की भेंट कोई भी चढ़े, इसका सबसे ज्यादा प्रभाव महिलाओं पर ही पड़ता है, क्योंकि इसका शिकार हुआ कोई न कोई व्यक्ति इनमें से किसी का पिता, तो किसी का बेटा, तो किसी का भाई या किसी का पति होता है। लिहाजा कश्मीर में जब से शांति का सूरज उगा है, तो इन महिलाओं के जीवन में भी अशांति और हिंसा की शाम का अस्त हो गया है। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट। चलें जी, वीडियो खत्म हो गया भाई साहब। ये थी जो कश्मीरी पब्लिक, खास तौर पे लेडी, जिन्होंने आर्टिकल 370 हटने के पहले और उसका जो भुगतान है वो आज भी भुगत रहे हैं, जिस तरह वो बता रहे थे कि भाई किस तरह था,
जब आर्टिकल 370 नहीं हटा था तो हालात कैसे थे, लोग स्कूल नहीं जाते। एक सबसे बड़ी बात जो आज भी भले हमें पता नहीं था, चलो ये तो पता था कि हड़तालें होती थी, पत्थरबाजी होती थी, ये वो होता था, काफी लोगों के जाने जाते थे। वो बता रहे थे कि बकायदा कैलेंडर को फॉलो करना होता था कि इस तरीक को हड़ताल है, इस तरीक को स्कूल जाना है, इस तरीक को फलाना काम होगा, इस तरह ये सारा कैलेंडर पहले से शो कर दिया जाता था। शो कर दिया और बांध ही रहता था आंसर, तो कश्मीर बांध ही रहता था भाई। तो जब इस तरह की चीजें होंगी तो भाई वो साफ जाहिर है कि एक यूथ जो थी वो उस दौर में जो पत्थरबाजी करती थी, स्कूलों में जाने के बजाय वो रोड पे इनको 4-4, 5-5 सौ दिहाड़ी मिलती थी और वो पत्थरबाजी करते थे। कहीं जो है वो साफ जाहिर है कि आर्मी के खिलाफ जो खड़ा होता था वो दहशतगर्दी इतना बेहतर, मैं तो उसको दहशतगर्दी बोलूंगा कि जो भी आर्मी के खिलाफ खड़ा होता है वो भाई साहब दहशतगर्द है, बिल्कुल, जो स्टेट की आर्मी के खिलाफ खड़ा होता है। और वो भाई उसको जब साधारण के दुश्मनों के साथ मिलके आर्मी पे अटैक करते थे तो भाई आर्मी भी उनको फूल माला तो पहनाएगी नहीं, वो ठोकते थे। और वो कह रहे थे कि 200 से ज्यादा के कितने, 2 लाख से ज्यादा, 2 लाख से ज्यादा, हाँ जी, मरे जिनकी जाने गई है। अब 2 लाख का आंकड़ा भाई बहुत बड़ा है, तो मरते थे भाई। तारक भाई आपको पता है जब हम हो जाए इस तरह की सिचुएशन होती आज दिन कोई ना कोई बम ब्लास्ट होता था हमारे यहाँ पे स्कूल कॉलेज ये सारे सारे बड़े बड़े दारे बंद हो जाते थे। बिल्कुल हमें लॉस जो हमें पता था हम एजुकेशन उस वक्त ले रहे थे इतना ज्यादा लॉस हो जाता था ना सिलेबस मुकम्मल नहीं हो पाता। पाकिस्तान में भी और मुझे याद है कि हमारे स्कूल हमारा जो कॉलेज था प्राइवेट कॉलेज था लेकिन वहाँ पे उन्होंने बकायदा जी जो सरकार है उसने कैमरे लगा रखे थे भाई, सीसीटीवी कैमरे थे रोड के ऊपर भी और स्कूल का और बकायदा आर्मी के जो बंदे होते थे सिक्योरिटी वो वाले देते थे भाई बकायदा उनके लिए एक कमरे बनाए गए ऊपर जो है वो छतों के ऊपर उनके लिए सिस्टम बनाया गया जहाँ पर वो 24 घंटे तैनात रहते थे तब जाके वो सिक्योरिटी होती थी भाई। और साफ जा रहे कि जब स्कूल कॉलेज में डर का माहौल पैदा हो डर के माहौल में पढ़ना बहुत मुश्किल होता है, आने जाने में दिक्कत होती है लोगों को, सिक्योरिटी का खास ख्याल रखना पड़ता है। तो साफ जा रहा है कि भाई एक यूथ एक जो पीढ़ी आप कह सकते हैं बल्कि 70 सालों में एक जो पीढ़ी है वो भाई साहब अनपढ़ जैन एक पीढ़ी तीन चार पीढ़ी समझ ले कि साफ जा रहे भाई साहब के 20 साल बाद तो नई पीढ़ी आ जाती है। बिल्कुल तो वो 3-4 पीढ़ियां जो है वो खराब हुई अनपढ़ रहे हैं और वो आज मैं कहता हूँ जो गलत लोगों के हरियाणा और जम्मू कश्मीर जहाँ ये दो स्टेट ये दो एरिया हैं जहाँ पर जो बेरोजगारी वो ज्यादा है हिंदुस्तान के जो दूसरे इलाकों की नस्बत। अब इसके जो पीछे जो मेन रीजन आज दिख रही है कि भाई साहब साफ जा रहा है कि भाई लोग अनपढ़ है बिल्कुल बेरोजगारी जहाँ पर लोग अनपढ़ होंगे बेरोजगारी तो वहां पर होगी तो जिसकी वजह से साफ जा रहा है कि फैमिली में अगर वालदैन या अनपढ़ होंगे तो उसकी फैमिली को पढ़ाई की तरफ निकलने में बड़ी दिक्कत। कश्मीर के अंदर एजुकेशन नहीं थी, लोगों के पास रोजगार नहीं था, टूरिस्ट नहीं था। चलो बड़े बड़े लोगों को तो फंडिंग हो जाती जिधर से भी हो जाती उनका तो भाई साहब घर अच्छे से चल रहा, जिन लोगों का वहां चूतियां काटते थे जिनके बच्चों को मरवा देते थे बेचारों के ऊपर क्या बीतती होगी। आज देख लो भाई साहब उनको रोजगार मिल रहा है, टूरिस्ट कितना जा रहा है, ज्यादा बढ़ रहे हैं, इनकम वो पैसा जा रहा है और अस्पताल के जो फ्री इलाज है वो उनको मिल रहा है, किसी के पास है जो फ्री राशन जो है वो भी मिल रहा है। तो ये किसानों को कितनी सहूलत दी जा रही है, मेरे ख्याल में एक एक किसान को एक एकड़ में 2000 रुपए मिलता है तो ये बहुत बढ़िया है भाई, बहुत बढ़िया सहूलते हैं। और ये कश्मीरी साहब जा रहा है कि भाई माँ है, एक माँ होने के नाते उसको अपने बच्चों का दर्द फील होता है कि अगर उनके औलाद में से अगर कोई जेल में हो या कोई मर गया हो तो मुसीबत में हो, मुसीबत और दुख झेले हो बिल्कुल, तो आज वो चीजें खत्म हो रही आज भाई साहब पीएम मोदी सरकार तहे दिल से शुक्रगुजार है और उसको देखने के लिए
तो जो मुसीबतें दूर की गई है ना वो आर्टिकल हटने के बाद की गई आपसे वो खुश है और पीएम मोदी को ये सारा जाता है और बोल भी गा रहे हैं भाई पूरी कश्मीर आज तो भाई हमारे शहरत पे वो जात बैठ के खुद ही अच्छी बात है इधर भी बैठ जाता पाकिस्तान में भी अगर बैठ जाता थोड़ा इधर के भी हालात ठीक हो अच्छे हो जाते अपनों से तो भाई साहब उम्मीद ही नहीं है कश्मीर की तरक्की से जलन हो रही है सारा कुछ हो रहा है थोड़ा सा इसका तो मसला है ये बेचारा अंदर से ना पता नहीं कितना रो रहा होगा चारक पे तो मोदी साहब बैठ गए फिर चलेंगे ठीक है भाई रूट तो बताइएगा कमेंट सेक्शन में इजाजत देंगे।